بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون آمنت بالله صدق الله العظيم नाजरीन प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन जानते हैं कि मैं किसी एक शुबे को लेता हूँ और उस शुबे पर फिर एक तफसीली गुफ्तगू होती है। आजकल जो शुबा चल रहा है इसका नाम है शिर्क फित तवस्सुल, कि वसीला शिर्क होता है और वो जायज़ नहीं होता। ये शुबा है और उसके इजाले की मैं कोशिश कर रहा हूं अल्लाह ताला की तौफीक से। इन दुरूस में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ज़वात का वसीला इसी तरह अपनी दुआओं में करना जायज है जिस तरह से अल्लाह ताला की रहमत से के वसीले से दुआ करनी जायज है, अल्लाह ताला के अस्मा से दुआ करनी जायज है, ईमान और अमले साले के साथ वसीला के साथ दुआ करनी जायज है। इसी तरह अंबिया और सालिहीन की जात से के साथ दुआ करनी भी जायज है, उनकी जा, उनकी वलायत, उनकी नबूवत, उनकी शहादत के वसीले से। तो वो दर हकीकत जो उनकी जात का वसीला होता है वो उनके मकामों मर्तबा और उस रहमत का वसीला होता है जो अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल फरमाई होती है। ये लेकिन अगर यहां तक की बात होती को कह देता कि ये बात दुरुस्त नहीं है तो शायद हमें इस पर इतनी तवील गुफ्तगू न करनी पड़ती, लेकिन वो फतवों की बुशाड़ इस कदर ज्यादा है कि वो बहुत आगे तक बात चली जाती है कि वसीला जो जात का मानते हैं वो फला फला है, उसका जिक्र मैं कर चुका हूं। तो आज भी जात के हवाले से कि जात का वसीला जायज है, इस पर मैं अल्लाह ताला की तौफीक से चंद मजीद दलायल जो हैं वो अर्ज करता हूं कि जात का वसीला किस तरह से दुरुस्त है और उसके ऊपर दलायल क्या है। तो मैं बिला तमहीद पिछली बारी वो दो तीन बातें मैंने अर्ज करनी थी, उसमें दो तो हो गई लेकिन तीसरी बात एक और थी वो रह गया, मैं उसको नहीं दोहरा रहा, किसी अगले दर्स में उसका जिक्र आ जाएगा इंशाअल्लाह। आज मैं डायरेक्टली स्ट्रेट वे जात के हवाले से बात कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जात के वसीले से दुआ जायज है। सबसे पहली दलील जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये मैं किताब जो पढ़ रहा हूं, जिस किताब से मैं पेश कर रहा हूं, इस किताब का नाम है मुख्तसर सीरतुर्रसूल, सीरतुर्रसूल, मुख्तसर सीरतुर्रसूल। ये लिखी है शेख इब्ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन्नजदी की, इब्ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन्नजदी की। असल में मुख्तसर सीरतुर रसूल के नाम से दो किताबें हैं, एक शेख नजदी ने खुद लिखी है और एक उनके बेटे ने लिखी है। तो जो उनके बेटे ने किताब लिखी है मैं उस किताब से इस वक्त हवाला पढ़ रहा हूं, अगरचे उसका कुछ हिस्सा इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर भी जिक्र किया है और वो भी मैं सेपरेट करके अल्लाह ताला की तौफीक से बयान करूंगा। जो शेख नजदी के बेटे ने किताब लिखी है मुख्तसर सीरतुर रसूल, उसका जो बाब है उसका बाब का उन्होंने नाम रखा है अल इस्तिस्का बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा तिफ्लुन, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से बारिश का तलब करना जब वो छोटे थे, वो बच्चे थे, तिफल थे, बहुत ही छोटी उम्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जो ये टाइटल है, ये जो बाब का नाम है, इससे उस वाक्या को बयान करने से पहले मैं दोबारा आपके सामने इसको लाता हूं कि वो कहते हैं कि अल इस्तिस्का बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बारिश तलब की जाती थी, दा बारिश तलब करना और बारिश तलब की हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के वसीले से जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे। यहां से ये सब बातें क्लियर हो गई कि अब जिस वसीले की वो रवायत बयान करने वाले हैं इससे मुराद ना अल्लाह ताला के अस्मा का वसीला है जबकि वो जायज है और दुरुस्त है और आला है, ना अल्लाह ताला की रहमत का वसीला है, ना अमले साले, ना ईमान की बात नहीं, वो जाते मुस्तफा की बात कर रहे हैं और वो भी उस वक्त जब हुजूर अलैहिस्सलाम छोटे थे।
जब आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया उस वक्त लोग हुजूर अलैहिस्सलाम से दुआएं कराने के लिए आते हैं कि आप दुआ करें, तो हाफिज इब्न तैमिया और अल्लामा अल्बानी, शेख बिन बाज, ये सब लोग अहबाब जो हैं जो वसीले के मुखालिफ हों, वो कहते हैं कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो लोगों ने आपसे दुआएं कराई, तो दुआ का वसीला तो हम भी मानते हैं कि अगर वो दुआ फरमा दें और अल्लाह कबूल फरमा दे, वो तो दुआ का वसीला है, वो जात का वसीला नहीं है। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें दुआ के वसीले की बात नहीं हो रही, इसमें जाते मुस्तफा के वसीले की बात हो रही है, क्योंकि जात के वसीले का इनकार है, इसलिए मैं जात की बात कर रहा हूँ। आगे जो वो मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर इब्ने शेख नजदी ने जो वाकया बयान किया है, वो वाकया यूं है कि वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन के जमाना में मक्का के अंदर कहत पड़ गया। जब कहत पड़ा तो लोगों ने क्या किया कि जो मुशरिकीन थे वो लात के पास गए, उज्जा के पास गए, मनात के पास गए। यहां एक मैं जुमला कह दूं चलते चलते, ये लात, मनात और उज्जा ये सारे औरतों के नाम हैं, और कुरान करीम में वन सूरत अन्निसा आयत 117 में अल्लाह ताला फरमाता है इन यदउन मिन दूनही इल्ला इनासा, वो लात मनात औरतें जिनके वो बुत बने हुए थे, जिनकी शक्लों के बुत बनाए गए थे, वो चड़ेलों की शक्लों के बुत बनाए गए थे, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तो औरतों की पूजा करते हैं, तो वो जिन औरतों चड़ेलों की पूजा करते थे, लात मनात और उज्जा और दूसर जो उन्होंने बुत बना रखे थे, वो सारे मुशरिक उनके पास चले गए कि आप हमें बारिश दें, तो वो बारिश उनसे तलब करने के लिए चले गए। लेकिन बारिश ना हुई, जब बारिश ना हुई तो वो कहने लगे चले अबू तालिब के घर में चलते हैं। तो जब वो अबू तालिब के घर में, हजरत अबू तालिब के घर में आए तो उन्होंने कहा कि बारिश नहीं हो रही, हमने अपना टिल लगा लिया है, हमने अपना जोर लगा लिया है, हमारे लात मनात उज्जा वो चड़ेले, ये चड़ेले मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, वो तो खुदा कहते थे उनको, कि हमने उनके आगे कहा है वो कुछ नहीं हो सका, तो अब हम आपके पास आए हैं, ये जो तेरे घर में हीरा है अब तू कुछ कर, हम इसको देखकर तेरे घर में आ गए। हजरत अबू तालिब ने क्या किया, वो ना लात की तरफ गए, ना मनात की तरफ गए, ना उज्जा की तरफ गए, उन्होंने दामने मुस्तफा को पकड़ लिया। ये इब्ने शेख नजदी मुख्तसर सीरतुर रसूल में लिख रहे हैं। अब देखें जात का वसीला कैसे बनता है, कहते हैं जी जात का वसीला तो कभी हुआ ही नहीं, ये घर में आपके है, घर में वसीला जात का बयान किया गया है, ये अलग बात है कि वो नजर ना आए। वो हुजूर को साथ लाए और लाकर उन्होंने काबे में हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त को, बैक मुबारक को काबे की दीवार के साथ लगा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली को खड़ा किया, हाथ को पकड़ लिया। अब हुजूर वाहवा तिफलन, बच्चे हैं, फिर मैं उस बाप का जिक्र कर देता हूं दोबारा, अल इस्तिस्का बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहवा तिफल, ताकि कोई ये कहे ना कि जी वो तो ऐलान नबूवत के बाद की बात है, जी वो तो दुआ की थी, अब वो बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मुबारक को हिलाया आसमान की तरफ, जब उंगली मुबारक का हिलना था तो बादल जो थे वो आ गए और मक्का के ऊपर इतनी बारिश हुई कि वो जितना कहत था वो सारा खत्म हो गया। अब जब बारिश हो गई तो वो जाते मुस्तफा के वसीले से बारिश हुई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ रजू किया गया था और आपकी उम्र मुबारक अभी कम थी, तो जब वो बारिश हो गई यहां तक तो था जो मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर लिखा है, और जो आगे वाक्या है वो भी उन्होंने खुद लिखा है मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर, मगर वो वाक्या जो अगली बात है, इस वाक्या का जिक्र इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर बाबुल इस्तिस्का में लिखा है, और किताबुल इस्तिस्का में इसका जिक्र आया है। वो यूं है कि अबू तालिब जो थे उन्होंने जब बारिश हुजूर के वसीले से हो गई, हुजूर के वसीले से बारिश मिल गई, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने अपने भतीजे की शान में जो अशार कहे वो इमाम बुखारी ने उन अशार को लिखा जो हुजूर के वसीले से दुआ हुई, बारिश हुई। अब अबू तालिब लिखते हैं, ये एक मैंने अभी नहीं देखा, मेरे पास वो किताब नहीं आई, ये मेरे पास दोस्त बता रहे थे कि हजरत अबू तालिब ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में एक पूरा कसीदा लिखा है
वो लाम की पट्टी